पहली बड़ी खबर की संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लंबी बहस चल रही है, जहां यूएन में अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा ने भी धार्मिक भेदभाव को लेकर पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अमेरिकी दूत सैम ब्राउन ब्रैक ने कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं से पीड़ित हैं, साथ ही साथ चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यापक और अनुचित प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। इसे लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित हैं। और अमेरिकी दूत सैम ने ब्राउन ब्रैक ने कहा है कि हम चीनी सरकार से उस राष्ट्र में सभी के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर के देशों से धार्मिक नफरत खत्म करने की अपील की है। तो चीन और पाक को लगातार लताड़ लगाई जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन में जिस तरह से धार्मिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं, उसे खत्म किया जाए। अपने घर में पहले झांके चीन और पाक और उसके बाद भारत के मुद्दे में अड़ंगा लगाने का प्रयास करें। और आपको बता दें कि आज की खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से विवेक जी, पाकिस्तान और चीन अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इन्हें बाहर के मसलों पर अड़ंगा लगाने की, टांग अड़ाने की जैसे आदत सी हो गई है, और इसीलिए भारत के मुद्दे में लगातार अड़ंगा लगाते हुए और अपनी टांग अड़ाते हुए ये नजर आ रहे हैं। मनीषा जी, इन दोनों देशों का यही स्वभाव है। ना पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता है, न चीन में धार्मिक स्वतंत्रता है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी के झगड़े चलते हैं, अहमदिया सताए जाते हैं, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, ईसाइयों को उनकी पूजा पद्धति नहीं करने दी जाती, चर्चों पे हमले होते, चर्चों में बम ब्लास्ट कराए जाते हैं। पाकिस्तान के आंकड़े हैं कि आज़ादी के समय, जिस समय पाकिस्तान बना था, जो हिंदुओं की संख्या थी उसमें 90% हिंदू आज पाकिस्तान से पलायन कर चुका है। सबसे ज़्यादा टारगेट पाकिस्तान में अगर किसी धर्म को किया जाता है तो हिंदू धर्म को किया जाता है। चीन में चले आइए, चीन में मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी है, मस्जिदों में एक संख्या से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तमाम धार्मिक स्वतंत्रताएं चीन में इन लोगों को नहीं है, और फिर भी ये दोनों देश अपने यहाँ मानवाधिकारों में सुधार करने के बजाय अपने देश में एक दूसरे धर्म, अन्य धर्मों को बराबर का दर्जा देने के बजाय दूसरे देश में टांग अड़ाए रहते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका मतलब ये रहता है, मकसद, कि अगर हम दूसरे देश में उलझाए रहेंगे तो लोग हमारे बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये अपने तरफ से फोकस कैमरा हटाने का ये तरीका है। कभी भी पाकिस्तान अपने देश की आर्थिक स्थिति पे बात नहीं करता, अपने देश की बदहाली पे बात नहीं करता, अपने देश पे जो ये धार्मिक समानता नहीं उस पर बात नहीं करता, वो बात करता जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में जबकि उसका कुछ है ही नहीं, जो टुकड़ा उसके पास है वो भी उसने कबायलियों के रूप में सेना भेज के जबरन हथियाया था। यही हाल चाइना का है। जो हिंदुस्तान का एरिया आज चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन, वो पाकिस्तान ने उसको दे दिया। मतलब इस तरह से ये लोग करके पूरे विश्व बिरादरी को गुमराह करते हैं और सत्ता तक पहुंचने नहीं देते। ये पहला मौका है जब यूनाइटेड नेशन में खुल कर के इस पर चर्चा हो रही है और ये दोनों देश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। इसके कुछ आगे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, मुझे ऐसी चर्चा से उम्मीद है कि दोनों देशों पर पूरे विश्व बिरादरी के शिकंजे कसे जाएंगे, इनको कार्रवाई के जद में लाया जाएगा और कुछ इन देशों में अन्य धर्मों के प्रति समानता के अधिकार जो हैं वो कायम होंगे, उनकी स्थिति में सुधार आएगा। बिल्कुल पंकज जी, एक पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के कांच के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और दूसरे के घरों में ताका झाकी भी नहीं करनी चाहिए। तो इनके खुद के घर की, इनके खुद के देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है और तब भी ये कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात करते हैं और भारत के मसलों पर बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? चीन की जो बढ़ती इकोनॉमी है, भारत उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है और चीन की सीमा भारत की सीमा से काफी हद तक लगी हुई है और चीन ये एक चाहता है, इसीलिए चीन ये हमेशा शुरू से ही चीन की पॉलिसी रही है
वो पाकिस्तान को भड़काते रहने की, और वो वहाँ अपना एक बेस कैंप बनाना चाहता है, वो बना नहीं पा रहा है। उसमें भारत बहुत बड़ा अड़ंगा है, तो इसलिए चीन हमेशा ये चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान में हमारा बेस बन जाए, और पाकिस्तान जितना ज़्यादा बदहाल बदतर रहेगा उतना वो चाइना की तरफ देखेगा, अमेरिका की तरफ देखेगा, अन्य राष्ट्रों की ओर देखेगा। हमें पाकिस्तान में तो कोई संसाधन है नहीं किसी प्रकार के, न कोई कल कारखाने हैं, न कोई डेवलपमेंट के या किसी प्रकार का कुछ है। वहाँ के 70% जिलों में तो लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, तो वो चीन का तो हमेशा से टारगेट रहा। चीन वहाँ एक अपना बेस कैंप बनाना चाहता है, सेना का बेस कैंप, और वहाँ से अपने युद्ध बेड़ों को इकट्ठा करना। तो चीन कभी नहीं चाहता है कि ये मुद्दा सुलझे, इसीलिए वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हमेशा भड़काने की राजनीति करता है कि किसी तरह से उनको 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 भड़काते रहे और इस तरह की चीज़ें चलती रहें। तो वो तो उसका पुराना टारगेट रहा, वो करता रहता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है, वहीं यूएन में अमेरिका ने अब धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, वहीं ब्रिटेन कनाडा ने भी धार्मिक भेदभाव को लेकर पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया है। तो जिस तरह से चीन और पाकिस्तान में एक धार्मिक भेदभाव की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में यूएन और ब्रिटेन कनाडा ने तमाम चीजों को अपना मुद्दा बनाते हुए पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया है। साथ ही साथ यूएन में अमेरिकी दूत सैम ब्राउनब्रैक ने कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक भेदभाव कानून और प्रथाओं से पीड़ित है। साथ ही चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यापक और अनुचित प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं और इसे लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित हैं। पढ़ेंगे अपनी अगली बड़ी खबर की ओर की। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग ने बड़ा खुलासा किया है, जहां असलम बेग ने कहा है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल में किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत को सबक सिखाने के लिए जिहाद ही एकमात्र तरीका है, साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना जिहादियों को नहीं रोक सकती। बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध चाहते हैं और जिहाद का प्रचार पूर्व पाक प्रमुखों और पूर्व उच्चायुक्तों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाक पीएम ने खुद पुलवामा जैसे हमलों की धमकी दी है और जिहादी पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि पाकिस्तान ने नवंबर में उद्घाटन से पहले ही करतारपुर कॉरिडोर का 90% काम पूरा कर लिया था, जिसमें जीरो लाइन से गुरुद्वारा साहिब तक जाने के लिए सड़क पुल और इमारतों का निर्माण शामिल है। तो पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग का ये बड़ा खुलासा है और उन्होंने कहा है कि अब वो भारत के साथ युद्ध करना चाहते हैं और वो भी हाइब्रिड युद्ध। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल में किया जाएगा, ऐसा कहना है पूर्व सेना प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग का। और विवेक जी, जिस तरह से ये असलम बेग का जो एक बेतुका बयान आया है, इनसे एक बार फिर से यही अपेक्षा की जा सकती थी, और इनके घर में खुद खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन ये अपनी अनर्गल बयानबाजी से, अनर्गल बातों को कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। मनीषा जी, ऐसी बयानबाजी करके पाकिस्तान के हुक्मरान, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और जितनी बेसरमी से उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल हम खालिस्तान में आतंकवादियों को भेजने के लिए करेंगे और जिहाद ही हमारे लिए भी एक रास्ता है, तो बेहतर होगा कि उनको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।
अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं। जो गोड का दावा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हम जिहादियों को रोक नहीं पाएंगे, तो जिहादियों उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जिहादियों को रोकेंगे नहीं, उनको जहन्नुम हमारे सेना के लड़वा कर सुरक्षा बल के लोग भेजेंगे, उनको रोकने की जरूरत नहीं है, उनको सीधे जहन्नुम भेजा जाएगा जहां वो अपने हुर्रों को ढूंढते फिरेंगे। और जिस रास्ते पे पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं, निसंदेह पाकिस्तान की मौत का रास्ता है, पूरा पाकिस्तान मरेगा इस जिहाद पे आगे चल के। अभी कुछ कम लोग मरे हैं, अब पाकिस्तान अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात वहाँ के हुक्मरानों को, वहाँ के प्रशासनिक तबके से जुड़े लोगों को, सेना के ये रिटायर्ड घोड़ों को समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल पंकज जी, अभी पहली खबर में हमने ये देखा था कि पाकिस्तान और चीन में लगातार धार्मिक भेदभाव की स्थिति पनप रही है और लगातार जो वहाँ के हालात हैं वो बेहद खराब होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब उन्हें खुद घर में अपने झांकने की जरूरत है, ऐसी स्थिति में वो भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। देखिए मनीषा जी, पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति है और पाकिस्तान कभी नहीं वहाँ की आवाम को ध्यान बटाने के लिए और पाकिस्तान में पंजाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।